दोस्तों चीन ने भारी संख्या में अपने फाइटर जेट्स और एयरशिप्स को ताइवान के नजदीक भेज दिया है और ये चीनी जेट्स किसी भी वक्त ताइवान पर हमला बोल सकते हैं। ठीक से कहा जाए तो चीन ने युद्ध का सायरन बजा दिया है और इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दोस्तों भारत के लिए भी ये किसी बड़ी टेंशन से कम नहीं है, लेकिन दोस्तों चीन ने अचानक ये बौखलाहट क्यों दिखाई है और दोस्तों क्या अब अमेरिका ताइवान के लिए इस युद्ध में कूद पड़ेगा जैसा वो कह रहा था, या फिर यूक्रेन की तरह ताइवान को बर्बादी के मुहाने पर लाकर के खुद भाग खड़ा होगा, और इससे भारत किस तरह का स्टैंड लेगा? अगर ये युद्ध होता है तो फिर भारत को क्या कुछ नुकसान होने वाला है? दोस्तों मैं ये बातें आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको सबसे पहले ताजा हालात से रूबरू करवा देता हूं कि चीन अचानक क्यों बौखला उठा है। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं है कि ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग ने इसी हफ्ते अमेरिका का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी के साथ कैलिफोर्निया में मुलाकात की है। और दोस्तों ताइवानी राष्ट्रपति की अमेरिकी नेताओं के साथ बैठक पर जिनपिंग आग बबूला हो उठे हैं और उन्होंने ताइवान के आसपास 3 दिनों के सैन्य अभ्यास की शुरुआत कर दी है। वैसे दोस्तों युद्ध से पहले हर कोई देश इसी तरह की हरकतें करता है और फिर अचानक से युद्ध पर उतर आता है। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस ने भी कुछ ऐसा ही किया था और अब चीन भी वैसा ही कुछ कर रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने इस मामले में कहा है कि वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों चीन यूनाइटेड शार्प स्क्वाड नाम से युद्धाभ्यास कर रहा है जो ताइवान द्वीप के उत्तर और दक्षिण में ताइवान स्ट्रेट के साथ साथ इसके पूर्व में समुद्र और हवाई क्षेत्र में कर रहा है। दोस्तों चीन ताइवान के ऊपर अपना दावा करता है जबकि ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश मानता है, लिहाजा ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग शुक्रवार को ही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मैकार्थी से मिली थी। दोस्तों ये बैठक होने से पहले ही चीन ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी कि अगर राष्ट्रपति त्साई इंग अमेरिकी स्पीकर से मिली तो ये सही नहीं होगा। वहीं बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि त्साई की यात्रा के बारे में कुछ भी भड़काने जैसा नहीं है, बस ये ऐसे समय में हुआ है जब यूएस चीन संबंध ऐतिहासिक रूप से गिर चुके हैं। हालांकि दोस्तों इसी दौरान चीन के शेडोंग विमानवाहक पोत को ताइवान के दक्षिण पूर्वी जल के रास्ते यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर के रास्ते में देखा गया। इस मामले में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति की निगरानी कर रहा है और अपने देश की रक्षा के लिए उचित जवाब देगा। दोस्तों ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनके देश के चारों ओर चीन के 13 चीनी विमान और 3 युद्धपोतों की जानकारी उनको मिली है। वैसे दोस्तों इससे पहले चीन बीते साल अगस्त में भी ताइवान का घेराव कर चुका है, तब अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी, तब चीन यहां डटकर युद्धाभ्यास कर रहा था और ताइवान को घेर चुका था। उस युद्धाभ्यास में समुद्र से लेकर जमीन और हवा में भी ताइवान की घेराबंदी कर दी गई थी। चीन की सेनाएं अपने सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लेकर के हाइपरसोनिक मिसाइल तक का इस्तेमाल कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सेना ने उस दौरान ताइवान की खाड़ी में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान उड़ाए थे। चीन ने उस दौरान ताइवान के ऊपर कई मिसाइलें भी फायर की थी और कई दिनों तक लगातार युद्धाभ्यास का आयोजन किया था और अब वो पहले से ज्यादा उग्र हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर ये युद्ध होता है तो फिर भारत पर इसकी आंच क्या आने वाली है और दोस्तों क्या भारत इस युद्ध में अमेरिका के साथ मिलकर के कूद पड़ेगा, इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप ताइवान और भारत के रिश्तों के बारे में जान लीजिए। दोस्तों पिछले कुछ सालों में चीन के साथ भारत के रिश्ते जितने कड़वे हुए हैं उससे ज्यादा अच्छे कारोबारी रिश्ते ताइवान के साथ बन चुके हैं, लिहाजा अगर ताइवान पर हमला होता है तो इसका बड़ा असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, लिहाजा दोस्तों भारत भी नहीं चाहेगा कि ताइवान इस युद्ध की आग में झोंका जाए। ताइवान ने भी बीते सालों में भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है ताकि चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम किया जा सके। दिसंबर 2017 में ताइवान और भारत के बीच औद्योगिक सहयोग को लेकर के एक MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। उस समझौते को लेकर के चीन और ताइवान की मीडिया में खूब चर्चा हुई थी। ताइवानी मीडिया जहां समझौते की सराहना कर रही थी कि इससे दोनों पक्षों के व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, वहीं चीन के सरकारी अखबारों ने इस समझौते को लेकर के भारत को चेताया था। उसके बाद भारत और ताइवान ने 2018 में एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वाणिज्य विभाग के मुताबिक 2019 में दोनों देशों के बीच कारोबार 18% बढ़कर $7.2 अरब पर पहुंच गया था और दोस्तों उसके बाद तो इसमें तगड़ा इजाफा हुआ है। ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन भारत में बड़ा कारोबार करती है जो दोनों देशों के मधुर संबंधों को दर्शाता है।
अब दोस्तों ताइवान की असली ताकत के बारे में आपको बता देता हूं, जिसकी वजह से दुनिया का हर देश इसके साथ में जुड़ना चाहता है। दोस्तों ताइवान दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है, और यही वजह है कि पिछले कई सालों में चीन इस पर हमले करने से बचता रहा है, क्योंकि इससे खुद उससे भी बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। ताइवान दुनिया भर में एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स का लीडिंग प्रोडक्ट देश है, और इसी वजह से चीन की सेना उसके खिलाफ हमला नहीं कर पाती है। कंडक्टर चिप को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग माना जाता है। ये ताइवान का एक ऐसा अहम उद्योग है जिस पर लड़ाकू विमानों से लेकर के सोलर पैनल तक और वीडियो गेम से लेकर के मेडिकल उपकरण तक के सारे उद्योग इसी पर निर्भर करते हैं। दोस्तों ताइवान के लिए ये एक हथियार की तरह है जिसे कोई और देश निकट भविष्य में आसानी से नहीं बना सकता है। दोस्तों दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाली कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनियों के पास है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान ताइवान की कंपनी TSMC का है। TSMC अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। एप्पल, क्वालकॉम, नवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, आसूस, यामा, पैनासोनिक जैसी दिग्गज कंपनियां भी इसकी क्लाइंट्स हैं। दोस्तों ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC दुनिया का 92% एडवांस सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। चीन सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान से मीलों पीछे है। सेमीकंडक्टर के बाजार को अमेरिका भी समझता है और चीन भी। दोस्तों दुनिया के बाकी देशों की तरह ही चीन भी ताइवान में बनने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर निर्भर है। दोस्तों ये ऐसी खास चिप होती हैं जिन पर सेमीकंडक्टर सर्किट बनाए जाते हैं। ये चिप सिलिकॉन से बनी होती हैं। दुनिया के लगभग सभी तकनीकी उत्पादों की जान इन्हीं चिप्स में बसती है। दुनिया के इस सेक्टर में युद्ध का असर इतना ज्यादा व्यापक हो सकता है कि चीन और अमेरिका भी उससे नहीं बच पाएंगे। वैसे दोस्तों अगर चीन भी ताइवान पर हमला बोल देता है तो फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका क्या ताइवान की मदद के लिए आगे आ जाएगा और क्या भारत भी उसका सपोर्ट करेगा। दोस्तों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन अगर ताइवान पर हमला कर भी देता है तो उसके हाथों में दुनिया की सबसे उन्नत चिप फैक्ट्री आ जाएंगी, जिसका सीधा सीधा असर भारत नहीं अमेरिका और यूरोप पर भी पड़ेगा। बीते कई दशकों में अमेरिका ने ताइवान को भारी भारी हथियार दिए हैं, और दोस्तों अगर युद्ध होता है तो चीन के तो में भी हथियार आ जाएंगे। लिहाजा आप समझ ही सकते हैं कि अमेरिका तो तुरंत ही इस युद्ध में कूद पड़ेगा, और जब अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा तो यूरोप उसके सपोर्ट में खड़ा होगा, और दोस्तों वहीं जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और बाकी के मुल्क भी ताइवान के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों भारत अगर सीधे तौर पर भी युद्ध में नहीं उतरता है तो भारत सीक्रेटली ताइवान के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं कॉमेंट लिख करके जरूर बताएं।